गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज देखो, आज हम लोग सैर कर चुके हैं और हम लोग आ गए हैं अपनी छत पे। ये बेचारा ना कितनी देर से मेरी वेट कर रहा है। चलो बेटे, टाइगर चलो। ये बेचारा कब से मेरी वेट कर रहा है। ये जो लोग आ रहे हैं उनको देख रहा है। हाँ। ये बिल्कुल ऊपर नहीं आता हमारे बिना। ये मेरा आवारा बच्चा नहीं है, ये गुड बच्चा है। मम्मा के साथ ऊपर आता है, मम्मा के साथ जाता है नीचे। देखो अब ये खेलने चले महाराज। चलो जी अब हम खेल लेंगे। चलो, छत साफ नहीं हुई इस हफ्ते। बोलूँगी आज कल मैं छत साफ करूँ। ये पेड़ मुझे बहुत सुंदर लगता है। वैसे तो मुझे सारे पेड़ सुंदर लगते हैं। अभी मैं अपने गमलों में लेके आऊँगी, कल लेके आऊँगी पेड़ लगाने के लिए छोटे छोटे। ये देखो, इसको ना ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है। इसको यहाँ बस बेचारा इस जहाँ बैठने के लिए कब से बोल रहा है। लेकिन मम्मा लेट हो गई, मम्मा नीचे थोड़ा सा काम कर रही थी। बेटू सॉरी 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 सॉरी। प्यारा बच्चा है मेरा। तो मैं अब थोड़ी देर यहाँ भी घूमूंगी ताकि टाइगर बेचारा थोड़ी देर बैठ सके यहाँ पे ना। देखो मेहंदी का कलर, आजकल सारी केमिकल वाली मेहंदी आती है। और आज है 22nd of October और आज के दिन मेरे मदर हमें छोड़ के चले गए थे। 8:30 बजे उनकी डेथ हुई थी सुबह। शी वॉज इन हॉस्पिटल। और पता नहीं कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं या मानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। आज सुबह मैं 3:15 बजे उठी, मेरी एकदम से जाग खुल गई। और उसके बाद आई वाज ट्राइंग टू स्लीप, बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी सी नींद आई, देन आई सॉ माई मदर। शी वॉज वर्किंग इन द किचन, किचन में बैठी थी मेरे पास। तो हो सकता है हमारे माइंड में जो चीज़ रहती है, या ये भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी आपको भूल नहीं सकते ना। तो दे ऑलवेज स्टे बाय यू, आपके साथ हमेशा रहते हैं। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा रहती हैं हमारे साथ। क्या करें, ज़िंदगी को जीना पड़ता है। चाहे आप रो के जियो, चाहे आप हंस के जियो, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। मेरे मम्मा एक्सपायर हुए थे 2016 में, और 2023 में पापा चले गए। तो क्या करें, जी रहे। बच्चों के लिए आपको करना पड़ता है। अगर आप दिल छोड़ देते हो तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी गए थे, तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स जिए ना। तो खुश हो या नहीं हो, बच्चों के लिए खुश होना पड़ता है। हर टाइम आप रो भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो घर का एटमॉस्फेयर फिर हर वक्त थोड़ा ना रोते रहोगे। लाइफ तो आगे चलानी पड़ती है, क्या करें। बट बहुत याद आते हैं माँ बाप, ख़ास तौर पे जब वो दिन आते हैं या कोई त्यौहार होता है। क्योंकि बचपन में से लेकर जवानी तक आप माँ बाप के साथ ही सारे त्यौहार मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो। और सडनली जब वो जल्दी चले जाते हैं ना, तो वो वॉइड फिल नहीं होता। खैर क्या कर सकते हैं। और
जॉब वालों की तो ये भी सबसे बड़ा इशू है कि आप जल्दी आप मतलब छुट्टी नहीं मिलती यार, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी इलेक्शंस की वजह से बहुत टाइम तक, एक हफ्ता तो बंद ही रहा है ऑफिस, तो ऑफिस तो चल रहा था लेकिन सारे इलेक्शन ड्यूटी पे थे तो काम बहुत पीछे चला गया, उस वजह से छुट्टी लेनी भी मुश्किल है और कहना भी बुरा लगता है, क्या करें। तो मेरी मम्मी का जो पाठ है, हमने गुरुद्वारा साहिब जो जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा लगाव था वहाँ पे रखाया हुआ है, लेकिन वो यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है और सुबह सुबह वो लोग भोग डाल देते हैं। तो मुझे कॉल आई थी, फिर मैंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकूँगी कि ऑफिस में छुट्टी की प्रॉब्लम है, तो आप मेरी हाजिरी लगवा के आप ये सारा जो है काम कर देना। सो गाइस, लंच टाइम हो चुका है और ये रही मेरी पानी की बोतल, पहले पीऊँगी पानी। अब यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर वगैरह लाना बहुत मुश्किल है, कहाँ रखो, इस ऑफिस का बुरा हाल है, आपको पीछे देख के पता चल ही रहा होगा। तो लिपस्टिक फैल गई है मेरी, लेकिन पानी डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ आके, ये पूरी बोतल ही फिनिश करती हूँ। ये ना सिमरन की बॉटल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी सारी बॉटल्स हैं घर पे लेकिन मेरे को यही अच्छी लगती है, पता नहीं कई बार ऐसा, वैसे भी मेरी नेचर है किसी चीज़ के साथ मेरे को प्यार हो जाता है, फिर वो चाहे पुरानी हो जाए, कुछ हो जाए, जब तक ये पूरी तरह नहीं टूट जाएगी तब तक मैं इसको यूज़ करूँगी। तो आज मेरे इयररिंग्स बताना कैसे लग रहे हैं, इसमें सिंपल जस्ट एक पर्ल है, ये मैंने everstylish.com है शायद, वही है ना, उससे मंगवाए थे, काफ़ी सारे मंगवाए थे 4-5। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, जैसे मन तो करता है कि अनबॉक्सिंग करूं, आप सब लोगों को दिखाऊं, लेकिन हॉट टाइम की किल्लत रहती है, ऑफिस से घर जाओ फिर उसके बाद क्लासेस, बहुत कुछ चलता रहता है। तो चलो पानी पीऊँगी सबसे पहले, ऑलमोस्ट 1:10 हो चुके हैं, पानी पीऊँगी फिर 5-10 मिनट बाद जो है खाना खाऊँगी। खाना भी आज बस एकदम से भागम भाग वाला ही था, तो खाना भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। तो गाइस, खाना जो है वो खुल चुका है, दिखाती हूँ आपको खाने में क्या है। ये देखो, ये है पास्ता और ये है, क्या बोलते हैं इसको, थेपला बोलते हैं शायद, है ना। आज का जल्दी जल्दी वाला काम है सारा। आई नो दिस इज एक्स्ट्रा वियर्ड कॉम्बिनेशन बाई कम्बाइनिंग इटालियन एंड गुजराती, बट भूख लगी है तो सब चलता है। सो ये है आज का लंच। आज बनेगी खिचड़ी, क्योंकि सिमरन और मेरा दोनों का ही स्टमक अपसेट है। तो ये है राइस, उसमें मूंग और मसूर की दाल, तो आज हम लोग बनाएंगे खिचड़ी। सो यहाँ पे मैंने इसको भिगो के रख दिया है ताकि थोड़ी देर भिगी रहेगी, और मैं करूँगी सबसे पहले अपना गैस साफ़, क्योंकि मुझे आदत है इसको अच्छे से साफ़ करके फिर इस पर कुछ भी बनाना शुरू करूँगी मैं। देखो ये मेरा गैस अच्छे से हो गया साफ, चमक गया ना पूरा, ऊपर से नीचे से सारा साफ़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात को कीड़े मकोड़े बहुत सारे घूमते रहते हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे हो गया है सारा जो मैंने चौंक लगाना है, यानी कि तड़का, इकट्ठा ही चीर लिया, जब सुबह जल्दी होती है ना फिर कुछ नहीं सोचता। और ये रहे अपने भीगे हुए राइस एंड दाल, और यहाँ पे रख दिया है कुकर, और कुकर में बनेगी अब ये खिचड़ी। तो यहाँ ये तड़का हो रहा है, ज़्यादा नहीं इसको पकाऊंगी क्योंकि खिचड़ी के लिए है ना, दाल वगैरह की बात और होती है। और इसमें जाएगा
सॉल्ट, ये कश्मीरी पाउडर है रेड चिली का, थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसमें राइस, सारा मिक्स कर दिया है। बस अब पानी डाल के उसके बाद इसको सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पे हो गया है मेरा रायता तैयार। इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्ची और खीरा कद्दूकस करके, बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता बना था। और हाँ, ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है हमारी खिचड़ी। सो टी टाइम, वही चाय, वही पार्ले जी बिस्किट, वही मैं।